ऋषिवर के दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए, बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देव की, आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन। जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन वो ये कुंडली बताएगी।
लल्ला बता कैसी है जगदा? मैया को हो क्या गया है आज? देख सही सही बताइयो। अच्छी है ना, पसंद आएगी ना उसे? हाँ, या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूँ? पहली बार मिल रहे है तू, उपहार तो देना चाहिए ना। पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठक या चांदी वाला कड़ा दे दूँ? हाँ, इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा जे उपहार छो, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं जेष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ? दाऊ बुलाएगो ना? सुनो, आपने, हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को दाऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ तो सदानंद जी ने भी कर दी है। लो, मैं तो भूल ही गई, क्या कही पंडित जी ने? बता तो उन्हें यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूं। हाँ, जी लो। अब बताओ कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पोछ लूं। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा थक गए हूँ, तनिक सांस तो लेन दो। हर से आया हूँ, जल ना पूछोगी? अब बता दो जी, बाबा अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ बताओ। पहले नारायण को धन्यवाद दो कि लल्ला को सूचना दूं, कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। ए, ए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला को बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आपने तो बताओ ही ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहें तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो, तूने तू आज ही अपने दाऊ से मिल सकता है? मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ, भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, पर दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था?
वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल। काल तेरा अवतरित रूप है उसका उपाल। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी। मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद बूद खो गए हो क्या? आपने जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज, जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। पर कैसे? कैसे?